आज तो वी आर गोना ट्राई वायरल रियल रेसिपीज, मतलब जो हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं एंड जिन पे बहुत ज्यादा लाइक्स होते हैं, बट ना हम ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर के लिए अलग अलग कंट्री पिक करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने पिक किया है इंडिया, ऑफकोर्स मतलब उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो देयर इज दिस रील व्हिच इज कॉल्ड स्पीडी सिंह का बर्गर एंड इट्स फ्रॉम लुधियाना और हरविंदर ना ही लव्स इट। मतलब बेसिकली उसमें क्या होता है, देयर इज बन, उसके ऊपर आलू की टिक्की आती है, नूडल्स आते हैं, बहुत सारी सॉसेस आती है एंड जब भी वो लुधियाना जाता है ना वापस आके मुझे चढ़ाता है कि दिस वॉज माई फेवरेट थिंग आई हैड पूरी ट्रिप में। तो मैंने सोचा कि मैं लुधियाना तक तो नहीं जा सकती बट इस चैलेंज में वो ट्राई जरूर कर सकती हूँ। सो मैंने ना आलू टिक्की यूजुअली मैं मकेन की लाती हूँ बट इस बार आई गॉट दिस ब्रांड ITC मास्टर शेफ समथिंग एंड माई ऑयल इज ऑलरेडी हीटिंग। इसमें आई शैल पुट एक और डाल देते हैं, एक्चुअली एक और। जब तक हमारी आलू टिक्की कुक हो रही है तब तक हम यहाँ पे बनाते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा स्ट्रीट स्टाइल ही बना देते हैं। तो जैसे वो स्ट्रीट वाले भैया ने डाला था ना बटर तवे पे, हम भी वैसे ही डालेंगे। जब तक ये मेल्ट हो रहा है लेट्स कट आवर बन। हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि स्ट्रीट वाले जल्दी जल्दी करते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड खाने जाना, यू डोंट वांट टू वेट फॉर द फूड, यू जस्ट इमीडिएटली वांट टू ईट इट। ओके दिस इज ऑलरेडी टू मच बटर गाइस, दिस ऑलरेडी लुक्स टेम्पटिंग। मेरे को पता है बन मस का खाना बहुत अच्छा लगता है तो मैं तो इसको ऐसे ही खा जाऊंगी। मेरे नूडल्स भी ठंडे हैं क्योंकि मैंने कल रात को बनाए थे, तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कुक होने देते हैं। यहाँ पे साइड पे हमेशा टिश्यू रखती हूँ क्योंकि हर 2 सेकंड में मेरा हाथ गंदा हो जाता है। सबसे पहले मैं गोना ऐड अमूल की ये चीज सॉस, मैंने ये कभी ट्राई नहीं करी इसलिए बंद भी है ये। ओके नाइस, अच्छा चीजी टेस्ट है यार। यू नो मैकडॉनल्ड्स में जैसे चीजी फ्राइज मिलते हैं तो अगर आप घर पे बनाना चाहते हो ना, यू कैन जस्ट मेक मकेन के फ्राइज एंड यूज द सॉस, इट्स एक्चुअली रियली नाइस। सो लेट्स ऐड दिस सॉस। फिर ये मेरी फेवरेट है, मैं नॉर्मल सॉस नहीं यूज करती, आई यूज द हॉट एंड स्वीट। थोड़ा सा प्याज और कैप्सिकम, और स्ट्रीट फूड वालों के पास हमेशा इनका ये स्पेशल मसाला होता है जो वो डालते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं बस ये नागिन के फायर और ऐसा चिली फ्लेक्स टाइप है वो यूज कर रही हूँ। आई थिंक दीज आर नॉट नॉर्मल चिली फ्लेक्स, दीज आर भूजो लकिया चिली फ्लेक्स, दैट्स सपोज्ड टू बी ज्यादा स्पाइसी। हम इसमें एक स्लाइस चीज डाल देते हैं, व्हाई नॉट। उन्होंने पनीर डाला था, मेरे पास है नहीं तो चलता है। हमारी आलू टिक्की भी मस्त कुक हो चुकी है एंड इट मेड अ ट्रायंगल, चिपक गए हैं तीनों। ओह नो, एनीवेज एक आलू टिक्की इधर, एक आलू टिक्की इधर, एक आलू टिक्की मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बनाई है ताकि मैं एक्चुअल में देख सकूँ इसका टेस्ट कैसा है। थोड़ी सी मेयो भी डाल देते हैं। गाइस दिस इज वेरी हैवी एंड आई डोंट रेकमेंड यू ईट इट ऑफन बट एक बार ट्राई करना बनता है। लेट्स ऐड हमारे नूडल्स। गाइस दिस लुक्स सो टेम्पटिंग, ओ माय गॉड। भाई हरविंदर सही बोल रहा था, इसमें से ऑलरेडी इतनी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। दैट्स इट, आवर बर्गर इज डन। बट I feel like I could never be a street food vendor because मैंने ये बहुत धीरे बनाया था, मेरे को ये 10 मिनट लगे ये 2 बनाने में एंड वो स्पीडी सिंह को आई थिंक 10 बनाने में 2 मिनट लगे होंगे। अच्छा बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपने कभी ये ट्राई करा है कि नहीं, एंड अगर आप लुधियाना से हो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इट आउट बिकॉज इट्स सुपर टेम्पटिंग। सबसे पहले हम ITC की आलू टिक्की ट्राई कर लेते हैं। बाहर से है काफ़ी सॉफ्ट एंड अंदर से ओह नाइस, लुक्स एग्जैक्टली लाइक मकेन की वैसे। यार थोड़ा सा ना देसी टेस्ट आ रहा है मकेन में, जैसा नॉर्मल आलू का टेस्ट आता है, इसमें थोड़े मसाले वगैरह हैं। लेट्स जस्ट बेटर। आलू टिक्की अच्छी थी तो आई हैव अ फीलिंग कि ये भी अच्छा होगा ही, लेट्स ट्राई इट आउट। ओह माय गॉड, मेरे को लगा नहीं था इतना अच्छा होगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें साथ में डाली हुई हैं, जैसे चीज सॉस, चीज स्लाइस, आलू टिक्की, नूडल्स, बर्गर, बटर, बट हर चीज का अलग अलग टेस्ट आ रहा है एंड एवरीथिंग टुगेदर टेस्ट सो गुड। मतलब ये तो मैंने बनाया, सोचो स्ट्रीट पे जाके खाएंगे तो कितना अच्छा। भाई इट्स इनसेनली गुड। ओके वी लास्ट दर्शनी के इसको कैसा लगा? यस मैम, टेल अस हाउ इट इज। It's really nice. Hello? It's crispy also. And noodles are soft. Really nice. आपको लग रहा होगा कि आलू टिक्की और noodles is a weird combination, but it's not. Imagine if we had corn also. Yeah. कॉर्न के साथ बहुत अच्छा था हमारा खाने। तो लंच के लिए ना हमने इटली पिक करा है। वैसे इट्स नॉट एन ऑथेंटिक इटालियन डिश बट इट्स एक्चुअली न्यूयॉर्क में एक इटालियन रेस्टोरेंट है, सो एक सॉर्ट ऑफ फ्यूजन है। अब रील देख लो। तो ये बनाने के लिए हम ना घर के पास एक रेस्टोरेंट से मार्गरीटा पिज्ज़ा लेके आए। बहुत देर हो गया इसको आए हुए तो थोड़ा ड्राई हो गया है, बट हमने उनको बोला था कट नहीं करने को,
तो इस बॉक्स को पहले हटा देते हैं, इस पे रखते हैं एंड हम इसका एक कॉर्नर कट कर देते हैं थोड़ा सा। अभी इसको गरम करने के लिए ना वी जस्ट गोना ऐड थोड़ा सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, बेसिकली सारी साइड से बेस पे पानी लगा देना एंड इसको ढक कर दो, ढक दो थोड़ी देर के लिए। और हमने पास्ता भी वहीं से लिया है, आई हैव नॉट ट्राइड इनका पास्ता या पिज्ज़ा, तो रिव्यू भी सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। तब तक हम चीज़ सॉस बना लेते हैं। इसके लिए विल टेक थोड़ा सा बटर, इसमें एक चम्मच मैदा ऐड कर दो। ऑल्सो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको मेरे घर में किचन वाला सेटअप बेटर लगता है जहाँ मैं वो वहाँ शूट करती हूँ, या आपको ये वाला सेटअप ज़्यादा अच्छा लगता है? लेट्स सी कौन सी जगह के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। मेरे को नहीं पता था चीज़ सॉस बनने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2 सेकंड में बन जाएगी। सो अभी हमारा पिज्ज़ा पूरा मेल्ट हो गया है एंड ऐसा लग रहा है ना जैसे अभी अभी आया हुआ, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत देर से पड़ा हुआ है घर पर। हमारी चीज़ सॉस ऑलमोस्ट हो गई है, इसमें हम हमारा मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्स डाल देते हैं। ओह वेट गाइस, आई फॉरगॉट ओरिगानो चिली फ्लेक्स। ये तो हो गया है हमारी बहुत मस्त सी चीज़ सॉस, लेट्स गो ऑन टू दिस। हाँ, इसका हमने ऐसा सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल बना लिया है। इट्स वेरी हॉट, व्हाट इज दिस, व्हाई इज एवरीथिंग सो हॉट। तो हम ना इसको डिस्प्ले इसमें करने वाले हैं, बिकॉज हमने सोचा कि ट्रायंगल ही रखना है, इसमें भी रख सकते हैं। सो लेट अस पुट इट लाइक, नहीं हो रहा ना, वेट। ओके, आई थिंक इससे अच्छा हम कर नहीं सकते। दिस इज आवर फ्लावर पिज्जा एंड इट लुक्स रियली नाइस। सो अब हमारे छोटे से पिज्जा रोज में हम डालने वाले हैं हमारा पास्ता। दिस लुक्स वेरी टेम्पटिंग यार, बट बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस ऑल्सो। ओके, टाइम फॉर द लास्ट स्टेप, हमारी चीज सॉस बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। नाउ लेट्स ऐड इन हमारी बनी हुई चीज सॉस। गाइस, ओ माय गॉड, दिस इज सुपर कैलोरी डेंस। एंड पता है रील में वो जिस बंदी ने बताया था ना, शी सेड दिस इज नॉट रेगुलर फूड, दिस इज चीट फूड एंड आई कंप्लीटली अग्री। टाइम टू ट्राई दिस। यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सॉफ्टी का कोन। बाप रे, दिस इज बेसिकली पिज्जा वर्जन ऑफ सॉफ्टी का कोन। मतलब थोड़ा थोड़ा पास्ता खा लो, फिर जब साइड्स खुल जाएं तो पिज्जा खा लो। मुझे लगा था ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, बट लंच भी बहुत। लुक एट लाइक, जस्ट लुक एट द चीज पुल। भाई कोई रेस्टोरेंट इतना अच्छा चीज पुल नहीं दे सकता। आई रोज फॉर माय रोज। हां, ये खाना खाकर मैं 4 दिन राइटिंग करूं। बट डूड, हाउ नाइस डज इट आल्सो सी दिस। ओके, आई विल टेस्ट। नो वेट, चीज ऊपर से तूने डाला है? आई एम गोइंग टू ईट इट फ्रॉम हियर। नॉर्मल पास्ता तो अच्छा बोल रहे। अरे खाने दे, पिज्जा अच्छा है। व्हाट आर यू डूइंग? थैंक यू फॉर द फ्लावर। एक्सक्यूज मी, इट इज नॉट जस्ट फॉर यू, बट दिस इज अ बेटर रोज टू गिफ्ट देन एक्चुअल रोज। ओके गाइस, सो शाम के स्नैक्स/डेजर्ट के लिए हम बाहर निकले थे क्योंकि मैंने ये जापानीज वायरल रील सेलेक्ट करी थी। मतलब आपने ये तो देखी होगी, इतनी ज्यादा वायरल गई हुई है। मैं दीज जापानीज शेफ्स और अपने हाथ से और लिटरली हर थोड़े से देर मेकिंग मोची, और मेरे घर के आसपास नहीं थी, तो आई केम टू कोरामंगला और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, मतलब कुछ ज्यादा ही। सो मोची बेसिकली क्या होता है, इट्स बाहर से ना राइस पेपर या राइस से बनता है लेयर, और अंदर आइसक्रीम होती है, तो काफी ऐसी चुई सी होती है एंड बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। मतलब मेरे को पता नहीं, मैंने ऐसा सुना है, वो तो ट्राई करके ही पता चलेगा कि हमें टेस्टी लगती है कि नहीं। गाइस, द शॉप इज देयर एंड वी हैव टू मेक अ रन फॉर इट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग वन, आई एम गेटिंग वन, रन रन रन। थैंक गॉड, सो दिस इज द शॉप, काफी सुंदर है, पूरा पर्पल एंड लुक, दे हैव सच क्यूट बोबा टी के प्लशीज, आई वांट टू। ओके, सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। व्हाट आर द बेस्ट सेलिंग? Cookie and cream, coconut and mango. Okay, I'll take one cookie and cream, one mango, one chocolate and one matcha also. Our order literally 2 minutes mein ready ho gaya. Ab hum chahte hain wapas gaadi mein. And let's try it out. Main bahut excited hu. यार ये दे दो मुझे कोई, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, किसी को पता है कहाँ से ले सकते हो या कुछ तो मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है? Another run for it, guys. Okay, done.
It's time to try our mochi and bhai sahab, look at the packaging. It's so cute. Plus, इन्होंने ना साथ में ऐसे छोटे से छोटू fork type दिया इसको खाने के लिए. इसकी unboxing is also so fancy. So, I think this is the green tea matcha वाला flavor. Let's try. Green tea का तो कोई taste नहीं आया. It tastes like vanilla ice cream. I think the outer part is the green tea flavor. But it's very less. Yeah. It's nice, but yeah, the flavor we won't get to know the flavor. हमने matcha वाला तो दुकान के पास try करा था, but ना वो freezer से निकला था और बहुत hard था. So I realized कि एक काम करते हैं कि हम घर तक drive करते हैं, मुझे like 40 minutes. उसके बाद जो अब ये mango वाला है, ये काफी ऐसा soft सा हो गया. इसका texture actually ऐसा ही होना चाहिए. Okay, now it is time to try it out. I feel like अब काफी अच्छा होगा. और पता है मैंगो का टेस्ट भी आ रहा है एंड अंदर मैंगो आइसक्रीम है. पता है उनको ना माचा वाले में भी माचा आइसक्रीम डालनी चाहिए, वुड हैव बीन बेटर आई थिंक. मस्त है यार. इफ यू गो टू एलेक्सा टू हैव मोची, वेट 40 मिनट्स बिफोर यू ईट इट, बिकॉज़ तभी उसका टेक्सचर अच्छा होगा. नेक्स्ट इज आवर चॉकलेट वाला एंड ये खुलने सा लग गया है. ठीक है, मेरे को चॉकलेट नहीं पसंद इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट आई हैव अ फीलिंग कि हरविंदर को अच्छा लगा कि वो डार्क चॉकलेट जैसा टेस्ट है. द लास्ट इज आवर कुकीज एंड क्रीम फ्लेवर एंड इसका तो पता है ये देखो ब्लू कलर का रंग ही निकलने लग गया. ओके, बिफोर दिस ऑल्सो ब्रेक्स ऑन मी, आई एम जस्ट गोइंग टू ईट इट लाइक अ लड्डू. चिपक भी गया ये. ओवरऑल मेरा फेवरेट मैंगो था, बट इफ यू आस्क मी इफ आई विल ट्राई दिस एवर अगेन, आई वोंट. ये चैलेंज मैं जब भी करती हूँ ना, मुझे डिनर में भूख ही नहीं लगती क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा खाना खाया होता है. अगेन इस बार मैंने डिनर करा ही नहीं और हम सीधा आ चुके हैं अगले दिन लंच पे. और हम ना ये आपने ये वाली वायरल रेसिपी तो देख, रेसिपी क्या बोलते हैं, एज अ कोरियन हॉट पॉट तो देखा ही होगा. सो आई ऑर्डर दिस फ्रॉम अमेज़न. सो बेसिकली इसमें एक सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी रामेन या कुछ भी बना सकते हो, तो पोकी बना सकते हो एंड यहाँ पे सब कुछ ग्रिल कर सकते हो. ये सारे इंग्रेडिएंट्स है हमारे हॉट पॉट के लिए. सो वी हैव प्रसूमा के स्पाइसी चिकन मोमोज, वी हैव चीज ऑब्वियसली, केवेंटोस के वेज मोमोज कभी ट्राई नहीं करे साथ और वो ट्राई करते हैं, वी हैव अंडा, स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा पनीर, थोड़ी सी सब्जियाँ एंड वी हैव लेटस. आई एम थिंकिंग लेटस रैप्स बनाएंगे एंड वी हैव शिन रामन. ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ना रिसेंटली मैंने यही शिन रामन की एक 2x स्पाइसी ब्लैक कलर की ट्राई करी एंड इट इज सो मच, मेरे को लगता था इससे बेटर कोई रामन हो नहीं सकती, बट दैट वन इज इवन बेटर देन दिस. सो अगर आपको वो कभी मिले तो ट्राई करना. अभी लेट्स गो इनटू द हॉट. तो इसको ना कनेक्ट करने के लिए एक पीस दिया हुआ है एंड इस पर यू कैन कंट्रोल कि आपको कितना हीट डालना है एंड इसका कनेक्टर इज बहुत वियर्ड. नॉर्मल दे देते, आई हैव नेवर सीन अ कनेक्टर लाइक दिस. एनीवेज यू हैव टू इंसर्ट इट इनसाइड दिस थिंग. ओके, मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट हो रही है. सबसे पहले यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं फॉर आवर रामेन. वेल दिस इज हीटिंग अप, पहले वील ऐड थोड़ा बटर, पूरी जगह पे फैला देते हैं ताकि कोई सब्जियाँ वगैरह चिपके ना. ठीक है, नाउ लेट्स ऐड हमारी गाजर और हमारे बीन्स. ऑल्सो पता है ये ना इमिजिएटली गर्म हो गया, मतलब मैंने अभी ऑन करा है, दो मिनट में इट्स अच्छे से गर्म एंड इट्स कुकिंग द स्टफ ऑल्सो. ठीक है, मैंने थोड़े से यहाँ पे पनीर कट करे थे तो वो भी डाल देते हैं, मोमोज भी डाल देते हैं. गाइस, इनके मोमोज टूटे, यू नो व्हाट, आई एम नॉट गोना यूज देम क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है. ये मोमोज डाल दूंगी तो पूरा वाइब चला जाएगा. आई विल डू वन थिंग दो, मैं अपने मोमोज को थोड़ा साइड कर देती हूँ. पता है इसमें एक और अच्छी चीज, अगर हम ऐसा कोई तवा गैस पे रखेंगे ना तो वो हर जगह हीट नहीं होगा, बट सिंस इट्स इलेक्ट्रिक हर जगह अच्छे से हीट भी हो रहा है, सो दैट्स नाइस. हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इधर, वी विल मूव द पनीर थोड़ा सा साइड पे एंड वी आर गोना क्रैक वन एग. थोड़ा सा वी विल ऐड इन हमारा मसाला, दिस इज द नागिन का भूत जलकिया चिप्स एंड आई लव दीज. अभी अपना पनीर पलट देते हैं बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दिस इज क्या मस्त चार आया एंड पनीर बहुत सॉफ्ट हो गया है. ओके ओके, नाउ इट्स टाइम टू ऐड इन आवर रावन.
हमारा DIY कोरियन हॉट पॉट इज ऑल रेडी, तो इसको मिक्स कर देते हैं. एंड हाउ नाइस डज दिस लुक. इसमें थोड़े से हमने चिकन सॉसेज डाला, थोड़ा चीज डाला. आई लव दिस. ऑल्सो मैंने ना ये भी ऑर्डर करा, दिस इज बेसिकली चॉकलेट बोबा, बट मेरे पास उतना बड़ा स्ट्रॉ नहीं है, तो ठीक है देखते हैं ऐसे ऐसे करके पीऊंगी. मेरे हिसाब से तो दिस प्रोडक्ट इज अ मतलब 8/10. इट्स नॉट ग्रेट, थोड़ा मुश्किल है इसको यूज करना, सब एक साथ मैनेज करना पड़ता है. बट अगर आप कोरिया का मजा इंडिया में लेना चाहते हो एंड 30-40 हज़ार खर्च के कोरिया नहीं जाना चाहते, तो आई थिंक दिस इज वर्थ इट. ओके, सबसे पहले हम हमारा ये रामन ट्राई करके देखते हैं. मैंने कभी भी ये वाली रामन विद चीज नहीं ट्राई करी, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. लास्ट टाइम मैंने ऐसे खाया था वो इन सिंगापुर जब मैं हॉटपॉट खाने गई थी, और बिल्कुल ऐसे सिंगापुर की ना यादें ताज़ा हो गई. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप एक बार तो मतलब चाहे एक बार ही ट्राई करो. अगर आपको आसपास कोई ऐसे रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे ऐसा कोरियन बारबेक्यू है तो वहाँ चले जाओ, नहीं तो ये मंगा लो. ये मंगा के आप बार बार कर सकते हो एंड सस्ते में कर सकते हो, क्योंकि जब हम सिंगापुर गए थे तो $150 कुछ लगा था एक दो लोगों का, विच मीन 7,500 फॉर टू पीपल. और ये पूरा मतलब कितना ही 2,000 का था, और बाकी तो घर पे पड़ी होती है चीज़ें. सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू ट्राई इट आउट, एंड कॉमेंट्स में मुझे बताना कि हमें नेक्स्ट वीडियो क्या करना चाहिए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.